नमस्कार दोस्तों, सीबीटीए परनाव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आईपीएल T20 का पहला मैच 19 सितंबर को शाम को 7:30 बजे शुरू होने जा रहा है। आईपीएल T20 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस मैच की मैच रिपोर्ट, विनिंग टीम प्रेडिक्शन, एंट्री एग्जिट, एवरीथिंग, टॉस, सेशन, लंबी पारी, जैकपॉट मैच, सभी की जानकारी आज हमारे इस वीडियो में दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दोनों ही टीम काफी धांसू टीम है। पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल रही है। जैसा कि 2014 में मुंबई इंडियंस दुबई में 4 मैच खेली थी और चारों मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस इस टीम में काफी पीछे है, चेन्नई काफी आगे है। चेन्नई वैसे तो धोनी की टीम है और मुंबई है जो सभी आप दोस्तों को पता है, रोहित शर्मा की टीम है। अगर हम मैच भाव की बात करें, मैच भाव 80-85 चेन्नई को बुकीज ने फेवरेट खोला हुआ है। ये टॉस होने से पहले के भाव है, टॉस होने के बाद भाव चेंज जाते हैं, जैसे कि आप सभी दोस्तों को मालूम है। अगर हम टॉस की बात करें तो पहला मैच का जो टॉस है, इस मैच के टॉस को चेन्नई जीत सकता है। चेन्नई पहले मैच में टॉस जीत सकता है। अगर हम 6 ओवर सेशन की टिप्स की बात करें, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो ज्यादा रन नहीं बनाएगी, 40 से 45 के बीच रन बनेंगे और लंबी पारी में 20 ओवर की लंबी पारी में जो रन बनेंगे वो लगभग 145 से 165 के बीच बनेंगे, 145 से 165 के बीच बनेंगे। ज्यादा रन बनने की संभावना नहीं है पहले मैच में, लो स्कोरिंग मैच होने की पूरी संभावना है। अगर हम मुद्दे की बात करें कि मुद्दा ये कि पहला मैच जीते या कौन, जैसा कि ये पहला मैच छुप गया है, मुंबई पहला मैच मुंबई बिन होगी। जिन दोस्तों को हमारी पेड सर्विस लेनी है, पेड सर्विस में हम पूरी गारंटी के साथ प्रेडिक्शन, मैच रिपोर्ट, हर बॉल पर अपडेट जो भी होता है हम पेड सर्विस में देते हैं। जिन दोस्तों को हमारी पेड सर्विस लेनी है वही हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 87690 37167 पर मैसेज करें। जो एडवांस फीस जमा करा सकते वही मैसेज करें, अन्यथा हमें मैसेज ना करें। अगर आप दोस्तों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।